नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन में अब समय है 900 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको देते हैं। अंबाला में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर एक भीषण हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक और मिनी बस की टक्कर में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हम आपको हादसे की जगह की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहां हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल मिनी बस में सवार यात्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे, ट्रक की टक्कर में मिनी बस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। आरोप है कि मिनी बस का ड्राइवर नशे में था और हादसा होने के बाद ड्राइवर वहां से भाग गया। मिनी बस में सवार 35 लोग बताए जा रहे हैं कि उसमें सकते हो गए, उसमें 7 लोगों की तो जान चली गई है। हादसे के वक्त यात्री नींद में थे, मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। अंबाला में यह हादसा हुआ है, दिल्ली जम्मू हाईवे पर यह हादसा हुआ है। यात्री वैष्णो देवी दर्शनों के लिए जा रहे थे।